हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनस सिविल बी। फ्रेंड, आज का टॉपिक है पियर कैप की कंक्रीट निकालना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिविल पे फ्रेशर इंजीनियर होते हैं या साइट सुपरवाइजर होते हैं, वो आते हैं जब पियर कैप की कंक्रीट निकालनी होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्मल पाइल कैप हो या पियर डाया की शटरिंग हो, वो इजिली निकाल लेते हैं। लेकिन जब पियर कैप, तो बहुत से लोग होते हैं उनको सेक्शन नहीं समझ आता है कि सेक्शन से कैसे निकाले या क्या करे। तो फ्रेंड, इसी में एक वीडियो लेकर के आया हूँ आज, काफी इजी मेथड से, बहुत ही इजी वे पे। एंड इसमें ना हमें सेक्शन देखना होगा ना टिपिकल करना है, हम एक सिंपल मेथड से इसकी कंक्रीट निकालेंगे। और अगर आप इसने ये वीडियो देख ली और समझ लिया तो 4 से 5 मिनट के अंदर आप पियर कैप की कंक्रीट निकालना सीख जाएंगे। और कोई भी आपसे अगर साइट में किसी ने पूछा तो आप मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट के अंदर किस पियर कैप में कितनी कंक्रीट आ रही है निकाल के बता देंगे। तो फ्रेंड, टॉपिक पे आते हैं एंड देखते हैं ये कैसे निकालते हैं। फ्रेंड देखिए, ये पियर कैप का मैंने एक फिगर ड्रॉइंग किया है, 12 मीटर 400 इसकी लेंथ है। अब समझिएगा फ्रेंड, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। 12 मीटर 400 की पियर कैप की ये लेंथ है। एंड मिड में जो पियर कैप है वो 2 मीटर पे है। हाइट देखिए इसकी 2 मीटर, ये मैंने यहाँ पे सेक्शन काट के दिखाया, 2 मीटर की हाइट। एंड 12 मीटर 400 ये लंबान हो गई। अब देखिए, जो एंड में हाइट है वो 700 की हो रही है, यानी 700 mm की, और मिड में 2 मीटर की। अब आइए देखिए, ये नीचे मैंने सेक्शन दिया है। पियर कैप कोई भी बनेगी वो पाइल कैप होगा, उसके ऊपर पियर होगा, पियर के ऊपर पियर कैप होगी। तो पियर 2 मीटर डाया का पियर है, ठीक है। अब फ्रेंड, जो पियर कैप होता है उसकी जो एलिवेशन होता है, जैसे आपने जहां से मिड पे 2 मीटर है, एंड में 700 mm में, तो तुरंत ही एलिवेशन नहीं होता है, एक 100 या 150 mm का टक होता है उसके बाद। इससे इसलिए भी ये होता है कि अपना जो कॉलर लगता है वो इजिली बैठ जाए, एंड साथ में अपना जो सर्कुलर प्लेट होता है उसके कॉलर की जो थिकनेस होती है वो 100 mm कम से कम रखेंगे। तो ये 150 mm का टक दिया है इसने, सारा सब कुछ मेंशन कर दिया। आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ। 12 मीटर 400 लेंथ, मिड पे हाइट है 2 मीटर की, एंड में है 700 की। अब देखिए, 12 मीटर 400 है, यानी 2 मीटर ये, 2 मीटर ये, 150 का टक इधर हो गया, 150 का टक यानी 2300 का। तो अब मिड में जो हो गया अपना वो कितना हो गया, 2300 का। अब देखिए, 12 मीटर 400 में से 2300 अगर हमने माइनस कर दिया तो बचेगा आपका, उसको डिवाइडेड करेंगे तो 5 मीटर 50 रहेगा, 5 मीटर 50 इधर आएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐड करेंगे, अगर 5 मीटर 50 2300, 5 मीटर 50 तो 12 मीटर 400 हो जाएगा, ये क्लियर। अब फ्रेंड आते हैं टॉपिक पे। देखिए, अब हमने यहाँ पे ये दिखा दिया डायमेंशन, लेंथ है 12 मीटर 400, ब्रेथ है 3100। देखिए सेक्शन पे जब आप ड्रॉइंग देखेंगे तो एक साइड में सेक्शन दिया होता है, लेकिन ड्रॉइंग दिखाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, उसको एक अलग टॉपिक के फ्यू से दिखाएंगे आपको, एक वीडियो बनाएंगे कि ड्रॉइंग कैसे देखते हैं, ये कहाँ पे लेंथ दिए हैं, कहाँ पे ब्रेथ दिए हैं, या कहाँ पे क्या चीज दी है, एक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे और वो चीज दिखाएंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने एक बना दिया है आपको इजी करने के लिए कि 3100 इसकी ब्रेथ है। फ्रेंड देखिए, लेंथ 12 मीटर 400, ब्रेथ 3100, हाइट है 2 मीटर से 700, यानी मिड में है हाइट 2 मीटर, एंड में है 700, क्लियर। अब देखिए फ्रेंड, वॉल्यूम आप सबसे पहले जान लीजिए, वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, अगर किसी भी एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दे तो वो वॉल्यूम आ जाता है। अब फ्रेंड देखिए, अब इसको पार्ट वाइज आप समझिए। ये देखिए, ये मिड में आ गया, यानी अब मिड में एक तो स्क्वायर हो गया, 2300 है तो इसको 2.3 लिख सकते हैं, 2300 2.3, और हाइट इसकी कितनी है, 2.0। अब फ्रेंड देखिए, ये तो इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी डेप्थ या हाइट हो गई 2.0, सॉरी। और अब देखिए, ब्रेथ इसकी कितनी है, 3.1, तो एक सेक्शन हो गया 2.3 2.0 into 3.1, ये सेक्शन क्लियर, कुछ नहीं करना, मिड की पूरी आ गई। आपको और इजी बता दें, सपोज दैट ये पियर कैप है, ये आपकी हो गई 3100, ये आपकी हो गई 12 मीटर 400, बीच का पोर्शन है तो सिर्फ 2300, और हाइट कितनी है इसकी, 2 मीटर, मिड पे सिर्फ 2 मीटर हाइट है, तो 2.3 2.0 3.1, ये क्लियर। अब फ्रेंड एंड में आइए, अब देखिए, ये है लेंथ 5 मीटर 50, और ये है 700, ये है 2 मीटर। अब देखिए फ्रेंड, 2 मीटर और 700, एक मेथड होता है कि हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लें, इस पे 1/2 बेस इनटू हाइट करें, ये स्क्वायर करें, हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा, सिंपल से देखिए आप, ये है बॉटम विड, ये है टॉप विड, आप इसको भी देखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड कर सकते हैं, और आप इस पे देखिए 2 मीटर प्लस 700, यानी आप जब इसको लेंगे तो देखिए ये दो एवरेज हाइट है, 2 मीटर और 700। अब इसको हम एक एवरेज हाइट ले सकते हैं, 2 मीटर प्लस 700 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2.0 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2,
यानी इसको और इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय टू कर देंगे तो एक एवरेज हाइट आ जाएगी स्टैंडर्ड, तो वही किया है हमने 2.0 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाय टू, यानी इसको इसको ऐड करके टू कर देंगे तो जो बनेगी वो एक स्टैंडर्ड लेंथ हो जाएगी, वही हाइट हो गई आपकी। अब देखिए ये कितना है 5.05। अब देखिए फ्रेंड ये चीज आ गई 5.05, हाइट हमें स्टैंडर्ड मिल गई, इसको और इसको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 से 1.35 और 5.05। अब ब्रेथ कितनी है 3.1, तो ये कर दिया हमने 3.1। फिर से समझिएगा फ्रेंड, ये हाइट और ये हाइट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 किया, यानी 2 मीटर प्लस 700 डिवाइडेड बाय 2 आया 1.35, यानी हाइट हमें मिल गई 1.35। अब देखिए ये लेंथ इसकी है 5 मीटर 50, 5 मीटर 50 यानी 5.05। अब ब्रेथ देखिए 3.1 ऑलरेडी है, आपको पता है इसमें भी समझ सकते हैं ये 3.1, ये हो गया 5.05, एवरेज हाइट आई है 1.35, तो 5.05 × 3.1। अब देखिए एक ये स्टेप है एक ये स्टेप है, यानी ये दो साइड, मिड में तो हमने एक अलग निकाल लिया लेकिन एंड में एक ये हो गया एक ये हो गया, तो इंटू टू कर दिया है, तो 2.0 प्लस 0.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5.05 इंटू 3.1 जो भी आया इंटू 2, क्यों? क्योंकि ये दो जगह की बात हो रही है। तो अब देखिए इसको हमने सॉल्व किया, ये हमने पहले ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था 14.26 था, ये 1.35 इंटू 5.05 इंटू 3.1 इंटू 2 कर देंगे 42.6, ये दोनों को ऐड कर देंगे 56.52। आपका वॉल्यूम ऑफ पियर कैप या पियर कैप में कितनी क्वांटिटी आ रही है आप बता सकते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।